चलिए आज का टॉपिक जो है वो लॉन्जिविटी। ठीक है, लॉन्जिविटी को की लिया अपन ने। जब भी आपके पास मैरिज का चार्ट है, किसका चार्ट है? मैरिज का चार्ट है, मैरिज, तो उसमें लॉन्जिविटी देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके, इस टॉपिक को मैंने इसलिए रखा क्योंकि अभी अपन मैरिज पर डिस्कशन कर रहे थे। तो जब भी आपके पास कोई भी मैरिज का चार्ट आता है तो उसमें दो चीजें देखना बहुत ही आवश्यक है, लड़का लड़की की लॉन्जिविटी प्लस चाइल्ड बर्थ। क्योंकि एक वैवाहिक जीवन में ये दो चीजें बेसिक है। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तो बात की बात है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, ये सब एक बात की बात होती है। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास कुंडली आती है जो कि मैरिज से रिलेटेड है, या आपके पास कोई आता है कि इसकी शादी कब होगी, तो या कोई लड़की की शादी कुंडली लेके आता है कि देखिए भाई इन दोनों के हम शादी करा रहे हैं, होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी। ठीक है, तो दो मेजर चीजों को हमें देखना बहुत आवश्यक है। क्या? एक तो लड़की की कुंडली उठा के हम देखेंगे चाइल्ड बर्थ कैसा है। ठीक है, फिर हमें दोनों की लॉन्जिविटी देखना बहुत जरूरी है कि एक एवरेज एज उनके पास है भी कि नहीं मैरिड लाइफ जीने के लिए। क्लियर? ओके, ठीक है, तो क्लियर है। चाइल्ड बर्थ देखना तो आपने सीख ही लिया, बच्चे आपने काउंट किए थे, याद होगा आप, हाँ जी जी है ना? जी फिफ्थ हाउस के कसबल सा प्लॉट को पांच उठा के हमने पांच काउंटिंग कर ली। सात हाँ, 2 5 2 5 11, लेवल है ना? लेवल CSL से हमने चेक कर लिया, तो एक हमें एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमारे पास कोई कुंडली आती है तो हमें लॉन्जिविटी देखना भी आवश्यक होता है। ठीक, देखिए जी लॉन्जिविटी एक ऐसी चीज है, देखो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हर चीज को डेट पे पहुंचा देती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो लॉन्जिविटी में भी आप डेट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जो भी गुरु उसको सिखाता है या जो भी इसको बताता है वो ये कहता है कि इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, इसका उपयोग क्रिटिकल कंडीशन में करना है। जैसे गुरु जी शस्त्र देते हैं ना, तो बता देते हैं इसको कब प्रयोग करना है, इसको कब प्रयोग करना है। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि लॉन्जिविटी का प्रयोग आपको कब करना है, आपको करना है उसको नहीं बताना है। जैसे आपने देखा कि इसकी तो शॉर्ट लाइफ है, तो बोलेंगे कि नहीं आप इनकी शादी मत करिए, है ना, ये कुंडली अच्छी नहीं। ये नहीं बताने की हाँ ये तो मर जाएगी, ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, ऐसा नहीं बोलना। आपको देखना है क्योंकि आपको वो दायित्व दिया गया है, क्योंकि सामने वाला आपसे पूछ रहा है ना। जैसे डॉक्टर के पास गया, सर बुखार है, उन्होंने बोला ये दवाई खा लो, अपन फट से उठाते खा लेते, ना आगे सोचते ना पीछे। ठीक है, तो लॉन्जिविटी की आवश्यकता कब पड़ती है? क्रिटिकल कंडीशन में पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आ गया कि मेरे पिताजी को क्या होगा, पता चला पिताजी आईसीयू में, तब आप लॉन्जिविटी होरारी नंबर से चेक कर सकते हैं। होरारी नंबर से नहीं कर सकते, प्रश्न कुंडली बना लीजिए आप, उस समय देख लीजिए कि वो मून क्या क्या नंबर्स दे रहा है। ठीक है, या लग्न क्या क्या नंबर शो कर रहा है, तो उसे भी आप वो चीज कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्रिटिकल कंडीशन में करना है, लेकिन जब मैरिज का चार्ट आएगा तो उसका प्रयोग जरूर करना। क्लियर है कि जी लड़की की शादी कब होगी, जी लड़की की शादी कब होगी, लड़का लड़की की जब कुंडली मिलाएंगे तो बर्थ, चाइल्ड बर्थ और लॉन्जिविटी देखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तब आप उसमें आगे के जी प्रेडिक्शन दे या कुछ दे। ठीक है, तो चलिए लॉन्जिविटी में दो चीजें मेजर होती हैं, एक होता है मार का, एक होता है बाध का। लिख लीजिए, लॉन्जिविटी में दो मुख्य चीजें होती हैं, मार का एंड द बाध का। एक के नीचे एक लिखिएगा, मार का बाध का। जी ठीक है, ऊपर क्या लिखा है आपने? हाँ, लॉन्जिविटी का, लॉन्जिविटी में दो चीजें देखनी होती है, मार का हाँ लिख लिया। एंड द बाद का। ओके ठीक है, जी, अब मार का मतलब क्या होता है? बोले कि मार का मीन्स इल हेल्थ। मार का क्या करेगा? स्वास्थ्य को खराब करेगा। मार का क्या करता है? इल हेल्थ, बीमारी दे देगा। कुछ लोग को देखते हैं आजीवन बीमार रहते, मरते नहीं, कुछ लोग 2 मिनट में मर जाते हैं। तो मार का नाम, मार का ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? मार का, लेकिन मारेगा नहीं है,
क्या करेगा आपको? ओके बीमार करेगा। नेक्स्ट इज बाधका, अच्छा किल अ पर्सन। बाधका मीन्स किल अ पर्सन। ये मारेगा हाँ ये हमारे बाधक मतलब आयु में बाधक है ये, इसलिए इसको बाधक कहते हैं। आयु में बाधक है, आयु को रोक देगा, ठीक है, इसलिए इसको बाधक कहते हैं। मारक मरने नहीं देगा आपको, क्या करके रखेगा? बीमार। दोनों शब्दों को आप एकदम रट लीजिए, है ना, उसकी मीनिंग क्या जी होती जी है ना, अपोजिट मीनिंग है। मारका मरने नहीं देगा और बाधका आपको क्या कर देगा? आयु में बाधा डाल के बजरंग मार देगा, ठीक है। अब लेकिन मारका क्या होता है? मारका होता है 2-7, मारका इज 2-7। भाई केपी पढ़ रहे हैं, नंबर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड बाधका यस इज 7-9-11, कॉमा लगा के लिखिएगा, 7-9-11, ठीक है। मतलब जो सेकंड हाउस है और सेवन हाउस है वो मार्क है, सेवन हाउस नाइन हाउस और इलेवन हाउस बाद का। इट मीन्स बाद सेवन हाउस एक ऐसा हाउस है जो मार्क का और का बाद का मार का और दोनों। बाद का दोनों, ठीक है। सेवेंथ हाउस जो है वो मार का भी है और बाद का भी है, ठीक है। 9 और 11 क्या है? ये नाइन और बाद का इलेवन है, है, एक भाग्य है, भाग्य एक है कि चपुती है नहीं, अभी अभी लॉन्जेविटी में 9 और 11 क्या है? बाधक है, बाद मार्क का नहीं, है। ठीक है। 9 और 11 क्या है हमारे? बाधक। क्लियर है? मेरे क्लियर क्लियर हो हो गई? गई हैं? ना बाधक 7-9-11, मेरे क्लियर हो गई कुंडली, उसमें 11 आ गया था। हाँ, 7-9-11 है। मैं ये बता रहा हूं कि 7 जो है मारका एंड बाधका में कॉमन है और कॉमन है 9 और 11 जो है वो क्या है? बाधका है। जी, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट, यस कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है ना? अब देखिए, हमें सबसे पहले तय करना पड़ता है कि किस राशि के लिए कौन मारक है और कौन बाधक है। लिख लीजिए इसको, किस राशि के लिए कौन मारक है या कौन बाधक है। पहला है चर राशि, मूविंग। मूविंग राशि कौन कौन सी होती है, याद है? चर राशियां होती है 1, 4, 7, 10। चर मतलब मूविंग, 1, 4, 7, 10। उसी की बाजू में लिख लीजिए ब्रैकेट में 2, 7, 11, टू टू सेवन इलेवन 2, 7, 11 लिख लें जी। मतलब मार्का में 11 भी आएगा। हाँ वही बता रहा हूं, मेष राशि में मारका 2, 7 है और बाद का 11 है, तो मेष राशि के लिए हमें क्या चाहिए? 2, 7, 11 चाहिए। उसी प्रकार से कर्क राशि के लिए मारका एक और मिनट, बाद का कौन है? मेष 2, 7, 11 है, मारका एंड बाद का है। राशि, मेष राशि में टू में हमने सेवन सबसे पहले क्या मार्का लिखा? मूविंग प्लैनेट, मूविंग लिखा ना, चल आप चार टू राशियां सेवन मतलब इलेवन लिखा है, मूविंग, ठीक है। ये कौन कौन सी होती हैं? पहले हमने तीन राशियों के चार नाम लिखे, पांच 1, 4, 7, 10, ये राशियों के नाम है, ठीक है। जी मतलब जी जी मेष राशि के लिए मारका और बाधका कौन है? 2, 7, 11। कर्क राशि के लिए मारका एंड बाधका कौन है? 2, 7, 11। तुला अच्छा राशि के लिए मारका एंड बाधका कौन है? 2, 7, 11। सेवन और 10 नंबर कौन सी होती है? एक्यूरियस, उसके लिए क्या है? 2, 7, 11 चौथी राशि मार्क। होगी कैंसर। हाँ मेरे कुंभ दस है ना, ग्यारह कुंभ है दस। है ना। हाँ नहीं हाँ नहीं ये नहीं, चौथी ये राशि है, कैंसर होगी, हाँ, 10 नंबर, ग्यारह, सॉरी, हाँ कुंभ 11, और सॉरी, दस, सातवीं राशि होगी एक चार आपकी, सात दस, ठीक है। चौथ सातवीं राशि होगी लिब्रा। हाँ, लिब्रा। और दसवीं राशि होगी एक्वेरियस। नहीं, एक्यूरियस तो कुंभ सेजिटेरियस, होती है। सेजिटेरियस
धनु, धनु तो नौ होती है ना, इसको सजिटेरियस क्या नौ कहते होती हैं, है। हाँ इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मकर है ना ये, कैप्रिकॉन। मकर मकर कैप्रिकॉर्न ठीक है, कैप्रिकॉर्न 10 होती है यार, हाँ तो दस ही कैप्रिकॉर्न है ना, 10 दस होती ही है। है, दस ही है ये। 1, 4, 7, 10। हाँ 1, 4, 7, 10 मकर राशि है ना। कुंभ एक्यूरियस होती है, उसका नंबर है 11। पाइसेस 12, मीन राशि। चलिए नेक्स्ट लीजिए, अचर राशियां या फिक्स। तो अचर राशियों के नाम लिख लीजिए, 2, 5, 8, 11। अचर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2, 5, 8, 11, टू मतलब वृषभ राशि। फाइव एंड एट 2, 5, 8, 11 वृषभ राशि। सिंह वृषभ टॉरस मतलब टॉरस। 5 होती सिंह, सिंह मतलब लियो। 8 होती वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो। 11 होती है कुंभ एक्यूरियस। इस राशि के लिए मारका एंड बाधका लिख लीजिए, 2, 7, 9। 2, 7, 9। तीनों में चार। हाँ, इन तीन चारों राशि, तीन चार राशियां लिखी आपने, टू इन चारों फाइव राशियों, एट 2, 5, 8, 11 एक्यूरियस। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूअल राशियां, द्वि स्वभाव राशियां। ये कौन सी होती हैं? 6 9 2 3, 6, 9, 12। 3 6 9 ट्वेल्व। 12 3 क्या होती है? जैमिनी। 6 क्या होती है? वर्गो, कन्या। बहुत 9 होती है धनु, बढ़िया सेजिटेरियस। ओके 12 जो होती है वो पाइसेस, मीन राशि। इसके लिए होता है 2, 7, 7। मार्कंड बाद का क्या है? 2, 7, 7। क्लियर है? ठीक जी। अच्छा है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो लग्न है, ठीक है, हमारा जो लग्न है किस राशि में, जिस राशि में होगा उसके हिसाब से हमारा मारका एंड बाधका तय होगा। वहां नोट लिख लीजिए, जातक का लग्न, ये जो आपने इतनी कहानी लिखी ना, किसके लिए लिखी है वो लिख लीजिए, जातक का लग्न, नेटिव का एसेंडेंट, जिस राशि में होगा, जिस राशि में होगा उसके अनुसार उसका मारका एंड बाधका तय किया जाएगा। ये देखेंगे कैसे, ये समझ में आ गया आपको? मान लीजिए कोई नेटिव है, उसका लग्न वृश्चिक राशि में, तो उसके लिए मार्क एंड बाध का क्या होगा? 2 7 7 2 7 9 2 7 9 स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, हाँ ठीक हाँ 2 7 9 है। मान लीजिए कोई जी नेटिव है, उसका जो लग्न है वो मीन राशि में, मीन मतलब पाइसिस, तो उसके टू लिए सेवन मार्क सेवन एंड टू 2, 7, 7। सेवन समझ में आ गया कैसे देखना? अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा, जी लेकिन ये जो हमने लिखा है ना, इसमें 2, 7, 2, 7, 2, 7 तीनों में आ रहा है। तो 2, 7 क्या है? मारक। अंडरलाइन कर लीजिए, 2, 7, 2, 7, 2, 7, ये क्या है? मारक है आपका। और वहां देखिए, 7, 9, 11 आ रहा है तीनों में, बाधक है ये। ऊपर हेडिंग लिखा था ना हमने, मारक कौन होता है और बाधक कौन होता है। जी तो आपने जो ऊपर लिखा है वो आप इससे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब 2 7 जहाँ पे 2 7 आ गया वो मार्का है, हाँ, ऊपर लिखा और था ना आपने, यहाँ पे मार्का नाइन किसको भी आ कहते गया, हैं? हाँ, ऊपर अब लिखा था टू ना आपने। सेवन हाँ नाइन हाँ है अब लिखा है टू 2, 7। सेवन तो ये बाद का बनेंगे।
एंड ऊपर में लिखा बाधका है जो ना है, आरक्षक। बाधक जो है वो 7911 है। तो जब ये 7911 मारक के साथ आ जाता है तो आयु पे संकट आता है। सिर्फ ओके 27 आया तो मार्क हो जाएगा। हाँ, आयु पे संकट अगर मतलब अगर 11 मिस है तो वो मार का है, बाद का नहीं रहेगा। हाँ, वो अभी आगे कंडीशन लिखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, जी तो 27 जो है कॉमन चीज हो गई। ठीक है, जी इसीलिए एक नोट लिख लें, जब 2 और 7 के साइन लॉर्ड की महादशा चलती है तो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। बताया ना मार्का क्या करता है, इल हेल्थ, शुरू में लिखा था ना आपने, जब 27 इल, जब वो सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के, ऐसा लिखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जब सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के साइन लॉर्ड, साइन लॉर्ड समझ गए ना, जी सेकेंड हाउस एंड वाशी सेवेंथ हाउस के साइन लॉर्ड की दशा चलेगी तब बीमारी की संभावना हो सकती है। बीमारी अभी पढ़ेंगे अपन टॉपिक, ठीक है, कब एक आदमी बीमार होता है कब ठीक होता है वो भी है अपना टॉपिक। ठीक है, दशा चलेगी क्लियर। तभी तभी क्लाइंट तब हाँ, तब क्लाइंट के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। मरेगा नहीं वो, क्योंकि 2-7 क्या है, मार्का वॉट, मार्क मार का है, मार का मतलब मरने नहीं देगा, ठीक है, बीमार कर देगा। ठीक है क्लियर। जी हाँ, जी और मान लीजिए उस ड्यूरेशन में एर्थ हाउस, सन और मार्स को सिग्निफाई कर रहा है, एर्थ हाउस सन एंड मार्स, सन और मार्स सॉरी को सिग्निफाई कर रहा हो तो बीमारी में ऑपरेशन के चांस बढ़ जाएंगे। इफ एर्थ हाउस एर्थ हाउस सन सिग्निफाई प्लैनेट सन और मार्स, सन और मार्स तो क्या होगा, ऑपरेशन के चांस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बीमारी भी ऐसी होगी जिसमें आपको ऑपरेशन तक पहुंचना पड़ सकता है। तो 2-7 मार्का है, मरने नहीं देंगे केवल बीमार करेंगे। क्लियर है, लेकिन जब मार्का के साथ बाधका आ जाता है तब आयु पर संकट आता है। क्लियर हो गई ये चीज, जी। कोई डाउट कोई प्रश्न? नहीं ठीक है, देखिए इसको देखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं, तब भी जो आपने देखा ना उसको शॉर्ट में कैसे देखते हैं, कोई सा भी चार्ट उठाते हैं, ये हर के चार्ट में देखना है जो क्लाइंट आपके पास आया है। ठीक है, कि वो जो प्रश्न पूछने आया है और हमने अपने आरबी को दौड़ा दिया, पता चला क्लाइंट ही नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखना उसका, है ना, आरपी को दौड़ाते हैं ना डेट पता करने के लिए, पता चला हमारा क्लाइंट ही नहीं बचा। क्लियर है ना, तो ऐसी समय पे लॉन्जिविटी को यूज करना है, जैसे मोदी जी की कुंडली खुल गई। मोदी जी की उंगली देख लो। अरे नहीं, वो बताया ना ये नहीं ऐसा, हाँ हर चीज क्या बोलते हैं, अननोन चार्ट में देखते हैं अपन। परचेस सेल, एक चार्ट तो चाइल्ड बर्थ वाला कहाँ गया, मैरिज, चलो ठीक है किसी में भी देख लो, मैरिज वाले में देख लेते हैं। ये जो अपन ने लिखा ना चर अचर द्वि स्वभाव, है ना, तो 2-7 तो आपने देख लिया फिक्स रहता है, 3 नंबर है हमारे पास जो बाधका बनते हैं, 1-7, 1-9 और 1-11। ठीक है, लेवल हाँ 7-9-11, मैं भेजू किसी की डेट ऑफ बर्थ था। नहीं ये है ना अपने पास चार्ट। देखिए कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि लग्न कहाँ पर है, तो बताइए लग्न कहाँ पर है, देखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे रफली देखना किसी भी कुंडली में, अभी तो आप सीख रहे हैं तो टाइम नाइन्थ लगेगा, जाओ राशि फट से देख लेंगे। लगन धनु, है इसका, इसका धनु नाइन्थ राशि में। ये साइन बना है ना, साइन पकड़ा करो, हाँ जी
इस ये साइन ही वही बात हो सॉफ्टवेयर गया की अभी, खास उसकी बात जगह ये है, बोलो साइन को याद रखें, हम साइन से समझ में आ जाएगा। वेजिटेरियंस में है ना ये दोनों। हाँ ठीक है, और ये कोने जो है ना, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये 12 है, ये कोने। तो ये कौन सी धनु राशि है, कौन से नंबर की? 9 नंबर की। नौ अब आप नंबर देख की के बताइए कि हमारा लग्न जो है वो धनु राशि में चला गया, तो इसके लिए क्या मारक है, क्या बाधक लिखा है आपने, इसमें देख के टू बताइए। सेवन सेवन 277 है, पाटिल जी, 3 6 हाँ 3 6 9 12 के लिए 277 है। हाँ, तो इसके लिए क्या मार्का है, क्या बात का है, ये पहले हमने डिसाइड कर लिया, क्लियर है? अब जी इसको देखो, इसमें शॉर्ट इसको तरीका है। सिर्फ हाँ बताइए। मार्का मिल रहा है, बाद का कोई नहीं है। नहीं, अभी हमने डिसाइड किया है कि वैसे इसके लिए कौन मार्का बाद का कौन है, अभी से हमने हाउस देखा है, नहीं सेकंड है और ना। सेवन हाउस, हाँ, सेकंड और पहले सेवन हमें हाउस। डिसाइड करना है कि क्लाइंट के लिए मार्का क्या है, बाधका क्या है। सबसे पहला स्टेप हमने डिसाइड कर लिया कि इस बंदे के लिए मार्का और बाधका क्या है। हाँ टू टू सेवन 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 27 और एंड 7 एंड बात सेवन का। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अभी बात की प्रक्रिया तुम बाद में करेंगे। देखिए, इसको देखने का तरीका क्या है, 2 7 फिक्स है, ठीक है? हमारे पास 3 नंबर आते हैं, 7 9 11, क्लियर है? इलेवन ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। मोदी जी देख रहे इलेवन हैं, नाइन सेवन हाँ जी हाँ जी मैं देख रहा ये हूँ, पहली राशि दिख रही कौन सी है, एक मिनट। मेष राशि है हाँ ना जी भाई, तो जी ये 11 पहली है, राशि ठीक है? कर्सर लाइए 11, वहां पे। हाँ हाँ, ये कर्सर आ गया, दिख हाँ रहा है? देखिए, जी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि हर कुंडली में आपको देखना है ना, तो आपको आना चाहिए। ये 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, क्लियर है? ये ऑर्डर समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं, बस इतना सुनिए आप। 11, हाँ 11 9 7 9, 9 7 7, फिर क्या आएगा, 11, फिर 9, 11 9 11 9 7 7। अब देखना, यहां 11 बोला था ना, तो इसको 11 नहीं बोलना, 2 7 11। तो मेष राशि के लिए मार्क एंड बाधक का क्या है, 2 7 11, 2 7 11 जोड़ना है। अब देखिए, 11 के बाद 9 हाँ आएगा, हाँ हाँ तो टू 2 7 9, फिर क्या सेवन आएगा, सेवन नेक्स्ट 2 7 7, फिर सेवन यहाँ क्या आएगा, 2 7 11, 2 7 9, 2 7 7, क्लियर सेवन है? 2 7 11, इलेवन फिर 2 7 9, अब भी आपने बताया था ना, 2 7 7, क्लियर टू सेवन जी क्लियर है? तो यदि कोई डाउट हो तो सिंपल आपको यहां से काउंटिंग करना है, 11 9 7, 11 9 7, 11 9 7, 7 मतलब 2 7 7, मतलब इस पर्सन के लिए मार्का एंड बाधका फिक्स हो गया 2 7 7। तरीका समझ में आ गया आपको, क्लियर हाँ है? चलिए क्लियर आगे है देखिए, बिल्कुल। ट्रिक समझ में आ गई, क्योंकि हाँ जी हाँ जी मतलब भाई आपको हर कुंडली में देखना है ना, तो जल्दी से देखना आना चाहिए, ठीक है? हाँ, फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट हाउस है उसमें 11, टू सेवन, सेकंड में 2 7 फिक्स नाइन, है, डिसेंडिंग ऑर्डर, नौ। 11 11 9 7, 11 9 7, 11 9 7, फर्स्ट हाउस में 11, सेकंड हाउस में 9, थर्ड हाउस में 7, हाँ, फिर फिर फोर्थ 11 हाउस 9 में 7, 11, बस ठीक है। गिनती कर लें, 11 9 7, 11 9 7, 11 9 7, 7 मतलब 2 7 7, क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, लिखिए। हाँ, अब क्या क्या कंडीशन होगी कि क्लाइंट की एवरेज एज क्या हो सकती है, हेडिंग है क्लाइंट की एवरेज एज क्या हो सकती है। ठीक है, क्लाइंट की एक एवरेज एज क्या हो सकती है, तो लिखिए, लग्न का कसपल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, लगन का CSL इन द जी स्टार लॉर्ड, इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका डीकोड क्या है। सबसे पहले कसपल सब हाँ लॉर्ड देखना है, फिर उसका स्टार लॉर्ड देखना है, फिर वो जो स्टार लॉर्ड जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन अपलोड करना है ना। जहां पर भी मैं ये जी लाइन बोलूंगा, इसका मतलब ये है, सबसे पहले CSL देखना है, फिर उसका स्टार लॉर्ड देखना है, फिर स्टार लॉर्ड के नंबर देखना है, क्लियर है ये चीज? यस तो लिख लीजिए, लग्न CSL इन द स्टार लॉर्ड फर्स्ट। एक मिनट जी,
स्टार लॉर्ड देखना है। लग्ना सीएसएल इन दी स्टार लॉर्ड, इसका मतलब है सबसे पहले कस्पल सब लॉर्ड देखना है और उसका फिर स्टार लॉर्ड देखना है, वो भी अभी बता दूंगा चार्ट में, ठीक है? फिर स्टार लॉर्ड के नंबर देखने हैं ना हमने। हाँ मैं अभी बता दूंगा, कंडीशन लिख लीजिए आप। जी पहली कंडीशन, इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाई, इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाई, डैश बनाइए, मार्का जी एंड बाद का, मार्का एंड बाद का, एंड को अंडरलाइन कर दीजिए। इट मींस लेस देन 33 ईयर एज, इट मींस दोबारा लेस, दोबारा से होगी। इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाई मार्का एंड बाद का, हाँ जी है ना? तो इसका मतलब क्या है वो लिख लीजिए, इट मींस लेस देन 33 ईयर। सेकेंड कंडीशन, इफ 33 लेस देन 33, ठीक है। मैक्सिमम 33 मिलेगी, ठीक है? और सेकेंड कंडीशन, इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाई मार्का और बाद का, ओ आर और, नॉट हिंदी वाला, है ना? यहां और को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओ आर और, अप टू 66 ईयर एज, अप टू 66 ईयर एज। जी क्लियर है? तीसरी कंडीशन, जी जी इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाइज नो मार्का नो बाद का, ना तो मार्का देगा ना ही बाद का देगा, तो क्या देगा? वन देगा, थ्री देगा, फोर देगा, फाइव देगा, सिक्स देगा, एट देगा, 10 देगा, 12 देगा। वन मैं थ्री फोर फाइव सिक्स 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, जी ठीक है? मतलब स्टार लॉर्ड ना तो मार्का को सिग्निफाई कर रहा है ना ही बाधका को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है? तो क्या सिग्निफाई करेगा? इसके अलावा जो नंबर होंगे वो सिग्निफाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ठीक है? बचे तो हुए सेवन, नंबर हाँ तो 75 ईयर प्लस किए जो, 75+ ईयर्स। 75 प्लस ईयर एज होगी। क्लियर है? ठीक जी है, तो तीन कंडीशन हमें मिलती है। पहली कंडीशन मिलती कि हमने लग्ना का या फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड उठाया और उसका स्टार लॉर्ड देखा, और वो स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो क्या सिग्निफाई कर रहा जी है? यदि वो दोनों कर रहा बोथ है मार्क मार्का मार्क। एंड बाद का, मार्का एंड बाद का मतलब 2711, 2711 में 27 क्या है? मार्का है, और 11 क्या है? बाद का है, ठीक है? हमने लिखा ना मेष राशि के लिए मार्का एंड बाद का क्या है, 2711, सेवन जिसमें रहेगा से, उसके साथ, हाँ इलेवन टू नाइन सेवन तो आठ हमारा, सेवन दोनों में हाँ कोई भी हो सकता। सेवन हमारा मार्का है, ध्यान रखना। बाद का यस कौन कौन यस से नंबर है? 9, 11 और साथ में सेवन 7 भी, ठीक है? 3, 6, 9, 12 राशि के लिए 7 तो मार्का बाद का दोनों बन गया, क्लियर? यस तो ये कंडीशन देख के हम एक एवरेज एज निकाल सकते हैं, ठीक है? इस कुंडली में देखिए आप। चलिए सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड, स्टेप समझ में आ गया? सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा लग्न, हमारा मतलब क्लाइंट का लग्न कहाँ पर है। पहले तो हमें ये तय करना है कि इस क्लाइंट के लिए मार्का कौन है और बाध का कौन है, ठीक है? पहला स्टेप, उसको तय करने का तरीका क्या है? एसेंडेंट को देखना है, एसेंडेंट किस राशि में है, उस राशि के अकॉर्डिंग क्या तय होगा? मार्का एंड बाध का तय होगा, बात का तय ठीक होगा। है? हाँ, अब हमें देखना है इसका एसेंडेंट। ये देखिए, अभी मैंने लाइन लिखी थी ना, मैंने कहा था मैं बताऊंगा, फर्स्ट हाउस या लग्न का कस्पल सब लॉट क्या है यहां पर? राहु 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 और इन दी राहु स्टार लॉट, राहु बट
राहु इन दी स्टार लॉर्ड, वीनस केतु, केतु, स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, केतु, हाँ क्या क्या क्या, इसका सब लॉर्ड है राहु और राहु हाँ का राहु स्टार लॉर्ड किस, है, आपने वो हाँ लाइन लिखी थी ना मोदी जी, पूछ रहे थे क्या है लग्ना राहुल इज का, राहुल हाँ कसपल सब राहु लॉर्ड राहु इज इन द दी स्टार स्टार लॉर्ड लॉर्ड का ऑफ, मीनिंग बता रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे लग्ना का सीएसएल इन दी स्टार लॉर्ड या फर्स्ट हाउस का सीएसएल इन दी स्टार लॉर्ड। इसको कैसे पढ़ते हैं ये देखिए, एएससी लिखा है, हाँ जी ये लग्न होता है, तो इसका जी सीएसएल, सीएसएल का मतलब होता है कसपल सब लॉर्ड, ठीक है, सब लॉर्ड, कसपल सब सब लॉर्ड लॉर्ड, राहु है, यहां पे क्या है राहु, इन दी स्टार लॉर्ड मतलब राहु किसके नक्षत्र में है, इस तो राहु किसके राहु नक्षत्र है में, केतु के नक्षत्र में, केतु के, हाँ जिसके भी नक्षत्र में उसका लॉर्ड केतु, मतलब केतु के नक्षत्र में। अब देखना है कि जी ये केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, जी अब यहां पे देखिए केतु क्या सिग्निफाई कर रहा आठ है, दो, एट और आठ टू, दो, आठ और दो, ठीक है, इस क्लाइंट के लिए 277 क्या है, मार्क एंड बात मार्कंड का वर्क, हाँ तो क्या आया, टू आ गया, कुछ तो टू क्या है, नहीं है, टू मार्का है, सेवेंटी उसका फाइव इल हेल्थ, प्लस इल हेल्थ देगा इसको, टू मार्का है ना, इल देखिए हेल्थ आया देगा ना इसको, टू, हाँ टू एक ही है, व्हाट टू इज सेवन टू, दोनों आया तो मार्क का होगा, दोनों आना है, क्या चीज, टू सेवन दोनों आना है कि एक ही आया तो चलेगा, नहीं मार्का एंड बाद का, जैसे यहां पर मान लीजिए टू और नहीं नहीं सेवन होता, मार्का के लिए टू एंड सेवन दोनों मार्का आए तो मार्का टू और बोलेंगे, सेवन हाँ है और बाद का एक एक अलेवन, नंबर, नहीं हाँ यहाँ पे टू एक ही है, सेवन नहीं है ना, तो मार्का बोलेंगे हम लोग, आपकी आवाज कट रही है, टू मैं बोल अकेला रहा है हूं मार्क, तो हाँ टू हाँ अकेला है तो ये हाँ मार्का रहेगा, एट है तो इसको सर्जरी भी देगा, हाँ 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 नहीं हाँ सर्जरी तो है, अभी अपन ये उस पे नहीं जा रहे, अभी बस ये नहीं, डिसाइड मेरे कर रहे मेरे हैं। पंडित हाँ मैं आपका जी, मैं क्वेश्चन ये समझ पूछना गया, चाहता हाँ हूँ, आप सुनिए, ये जो दो है पहले तो बताइए, दो क्या है, हाँ मार्का है कि बाद का है, मार्का मार्का है, मार्का, तो हमें यहाँ केवल मार्का मिला, बाद का नहीं मिला, हाँ जी ठीक बिल्कुल, है, अभी मान लीजिए इसके साथ नाइन आ जाता तो मार्का के साथ क्या मिल जाता, बाद का बाद मिल का जाता, लेकिन नाइन इसके लिए बाधक का है ही नहीं, इसके लिए बाधक नहीं, क्या है, सेवन है, सेवन सेवन है ना, तो यहां पर जी, सेवन आना जरूरी है इसके लिए, हमेशा ध्यान रखना बाधक का आना बहुत जरूरी है, मार का मैंने कहा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, बाका बाद का, तो ये 75+ ईयर एज इसकी एवरेज एज हो सकती है, ठीक है, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन कुछ हाँ क्लियर हाँ पूछिए नहीं पूछिए, हुआ, मार्का के लिए टू सेवन लिखवाए तो टू सेवन दोनों आएंगे तभी मार्का होगा या टू और सेवन चलेगा, दोनों में एक आए तो भी चलेगा, कैसा आपकी आवाज क्यों कट जा रही, वीडियो भी चलेगा, हाँ हेलो, है अभी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, मैं ये पूछ रहा हूँ इसके हाँ लिए मार्का के लिए दो सा टू सेवन लिखवाए ना, हाँ हाँ 27, हाँ तो यहाँ पे सिर्फ टू आ रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, टू एंड सेवन दोनों आना है या एक आए तो भी चलेगा मार्का, मार्का, हाँ हाँ नहीं मार्का 7 आना जरूरी है, इसमें 7 आना तो जरूरी, टू है, सिर्फ टू एंड हाँ सेवन ना दोनों आए तभी हमारे मार्का पास बोलेंगे, टू और सेवन दोनों मार्का ही, टू भी मार्का है 7 भी मार्का, लेकिन सबसे प्रबल मार्का कौन है, 7, सेवन है जी, जैसे बाधका में 9, 7 और 11 है, ठीक है, क्लियर है, तो ये कहे तो भी ये चलेगा, दो और बीमारी साथ देंगे, में दोनों हाँ में, ये बीमारी देंगे दोनों में आपको, एक, हाँ दोनों में एक आए तो ये, भी चलेगा, मतलब हाँ हाँ ये आपको बीमारी देंगे, मारेंगे नहीं, हाँ ये दोनों में कोई एक भी प्रेजेंट है तो इलनेस आएगी इलनेस आएगी, अगर, हाँ जी ठीक है, इलनेस कब आएगी, जब टू और सेवन में से कोई भी प्रेजेंट होगा, इसलिए लिखा था ना अपन ने सेकेंड हाउस की और सेवेंथ हाउस की महादशा जी चलेगी, तो ये हमको बीमारी देगा, मारेगा नहीं, लेकिन इसके साथ क्या आ जाए, बाधका आ जाए, मतलब कौन सा नंबर आ जाए, 9 नंबर आ जाए, जैसे यहाँ टू और नाइन आ जाता, इसी के साथ हाँ, फिर सेवन वो आ बाद का जाता, बन जाता, इसी के साथ 11 आ जाता, तो वो बीमारी हो सकता है आपको मार भी दे,
कई लोग अच्छा, इसके होते हैं ना साथ सेवन जीवन आया तो क्या, इसके है साथ सेवन आया तो क्या कंसिडर करेंगे? टू सेवन आ गए तो इस, क्या कंसिडर हाँ 27 आ करेंगे? गया तो इसका मार्का एंड बाध का दोनों आ गया, क्योंकि इसके लिए मार्का एंड ठीक। बाध